गुड आफ्टरनून ना, अभी गुड आफ्टरनून है तो सबको गुड आफ्टरनून। देखिए अभी ना मैं स्कूल से घर आई हूँ और घर आके जस्ट कपड़े चेंज किए और सुबह ना मेरी टंकी में पानी नहीं था गाइस, तो बर्तन तो मेरे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, मैंने किए नहीं क्योंकि पानी नहीं था और आया भी नहीं था। और सुबह बस कि मैगी बना के खा के चली गई थी, खाना नहीं बनाया था क्योंकि अकेली का खाना बनाने में ना मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं बनाया था खाना। तो अभी क्या करूँगी, भूख लग रही है मुझे तो फ्रिज में पता नहीं मक्की पड़ी है तो सेक लेती हूँ, फ्रूट पड़े पर फिलहाल फ्रूट खाने का मन नहीं है मेरा। मक्की तीन मक्की पड़ी है, ये ना मैं तीनों का आज पका देती हूँ ताकि मेरा फ्रिज थोड़ा क्लीन हो जाए। अभी थोड़े टाइम पहले ही साफ किया था पर देखो फिर से कचरा आ गया। तो देखिए अभी मक्की सेक के खाती हूँ क्योंकि चूल्हा चालू है, चूल्हा नहीं चालू होगा ना तो वो मतलब उसको बॉईल करके तो अच्छी नहीं लगती है। तो मक्की सेक लेती हूँ और कपड़े थोड़े लेके गई हूँ तो कपड़े भी धो देती हूँ। अभी देखो मोटर चालू की है, मेरी मोटर कब लगी यहाँ से लगाते हैं तो अभी चालू की है ताकि टंकी भर जाए। ले મારી રાહ જોઈ રે એનો હું કાયમ રોટલી और अभी अच्छे से मतलब है ना अंदर वो कोयले तो हो जाए। एक में तो ना थोड़े थोड़े ही दाने हैं, इसमें ज्यादा दाने हो गए ये वाले में भी। सागर ना अभी गाय भैंस का काम कर रहे हैं, भैंस का दूध निकाल रहे हैं। और ये लगाया है ना तो थोड़ी आसानी रहती है। एक तो हो गया है, एक मैंने सेक लिया है और ये दूसरा, इसके तो दाने कम ही है तो सीधा ही सेक लेंगे पर इससे ना थोड़ी आसानी रहती है, इसे डाल दिया है सरिये में तो। बा को ना काटा लगा है तो बोल रही है निकाल दो तो मैं निकाल के देती हूँ। हाँ मैं साड़ी ने पहले फॉलोइंग डाला करी हमने मैडम 5 वगे ने दूसरा टाइम देखियो था आया फ्रिज में रखा हुआ था ना तो ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा है इसका। हो गया ये भी रिजेक्ट कर तुम्हारे ऊपर सर, मैं एकली नहीं करे ऊपर बा मने खबर नहीं सा। और देखे इस ना अगर दूध निकाल रहा है भैंस का, मुझे नहीं आता है। सागर को पूरी ट्रेनिंग है।
और अभी ना पीने का पानी भरना है तो वो भी भर लेती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े भी धोने हैं और ज्यादा पानी नहीं भरना है क्योंकि ये बर्तन मेरे भरे हुए हैं, ये वाले बर्तन भरे हुए, तो ये मटकी वाला पानी जो है वो मैं खाली कर दूंगी और धो दूंगी इसको अच्छे से। देखो कैसे हो गई है, और फिर ये ना पानी इसमें डालूंगी और ये वाला फिर से भर दूंगी ताकि नया पानी और इसमें है वो भी यूज हो जाए। सुबह क्या हुआ था, मैंने वो गिलास में मतलब तेल रखा था तो भूल से तेल का मुझे लगा पानी का गिलास हाथ में आ गया और तेल हाथों पे डाल दिया तो वेस्ट हो गया मेरा तेल एक गिलास भर के। कल भी झाड़ू पोछा और सब कल संडे था तो कल सब काम कर दिया है तो आज ज्यादा काम नहीं, बस पानी भरना है। और गाइस अभी ना यहाँ पे जो सांप घूम रहा था वो मतलब दादा बोल रहे थे कि मर गया है तो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे मतलब घूमता रहता था और बहुत ही बड़ा था, मोटा सा। और यहाँ पे जो अंकल ने शाकभाजी लगाई थी वो बहुत ही अच्छी हो गई है, समर में आ जाएगी। पता नहीं कहाँ पे बदबू आ रही है क्या, दादा तो यहाँ कहता था और यहाँ कह बा पहली बाजू पापा रे यहाँ पे ही है अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये सांप यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, मरा हुआ पड़ा है, अंदर तो नहीं मरे कभी ने मारे ना खेलो के हूँ, अजगर जितना बड़ा है सांप। इतना बड़ा सांप बेचारा मर गया है। ये टमाटर, इसको बहुत ज्यादा टमाटर लग गए, देखो पूरा ऐसे बेंड हो गया है प्लांट ये बहुत ज्यादा। और ये भी देखिए मैंने जो लगाया था अमरूद का पेड़ वो भी बहुत ही अच्छा हो गया है, अब तो अच्छे से पोषण मिल रहा है। यहाँ पे हल्दी थी पर पता नहीं हल्दी है या नहीं है, अच्छा देखते हैं। पुदीनो है, हाँ पुदीनो बा ने थोड़ो आम पकड़ो ना तमे, आम बा अने आम पकड़ो ना, कयो वालोरियो। ये हल्दी ना बहुत ही अच्छी हुई है बा, तो बहु बड़ी थैली है हरदर जो तो है, ये काफी सारी हुई है हल्दी, इसको निकाल काढ़िए तो चाल बा, एक वर्ष से निकलो सौ माह निकलो तो तारी सौ माह रोपे लिया तारी निकली है जो और बहुत ही अच्छी है। देखो लाते रुवाई तो ये उपसी वाई तो कड़ा पाकी सो पाकी तो थाई जाए ना क्या नहीं है पाकी गेली गेली मैंने जो हल्दी सब मतलब लगाई थी ना थोड़ी इतनी छोटी छोटी वो अभी पक के अच्छे से रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह मैं निकालती हूँ। हाँ जोरदार पाकी है, बहुत ही अच्छी तरह कलर जो है ना मस्त कलर आए मैंने, देखिए यहाँ पे
ये रही इतनी सी तो निकाली मैंने, अभी भी निकलेगी थोड़ी सी। थोड़ी गाइस ये मैंने हल्दी लगाई थी, मतलब कौन सा बारिश में, कोई नहीं वीडियो बना, बारिश में लगाई थी, उग रही थी ना तो अभी अच्छे से पक गई है। देखो इतनी सी निकली, बस इतना सा टुकड़ा लगाया था इतना सा, और उसमें से इतनी सारी हो गई। और अभी ना गाइस खाना रेडी हो चुका है, एक केबिस की सब्जी है और ये चावल का रोटला, अभी खा लूंगी मैं खाना, भूख लगी है मुझे बहुत ही तगड़ी वाली भूख लगी है मुझे। तगड़ी वाली सब्जी भी तगड़ी है, रोटला भी तगड़ा है, और मैं खाना गाइस खाना तो बहुत तगड़ा है, और इसमें बहुत सारी मिर्ची डाली है। देखो तो तीखा ना लगे तो अच्छा है, पर कोई बात नहीं, हम तीखा तो जितना भी होगा ना हम ठूस ठूस के खा लेंगे, ठूसेंगे हम, खाना तीखा होगा ना फिर भी। केबीज की सब्जी बनाई है आज, और गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा बता देना मुझे, शॉर्ट ही था पर आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो यार प्लीज एक लाइक और एक कमेंट्स, और वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसे प्यार से दबा देना, सब्सक्राइब कर देना।